बड़ी खबर आपको दे दें। आपको बता दें रूस की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, ये कहते हुए कि दो ऐसे शहर हैं जहां पर संघर्ष विराम यानी कि थोड़ी देर के लिए सीज फायर, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। लेकिन दो शहरों में विराम, कीव को लेकर घमासान जारी है। कीव पर तेजी से तीन तरफ से बढ़ती हुई रूसी सेना दिखाई दे रही है। दो शहरों में तो युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन कीव को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो कीव हो या यूक्रेन के अलग अलग हिस्से हो, वो अपने आप में यकीनन परेशान करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन का जो ज़ापोरिज़्या का है बुरा हाल हो चुका है। वहां पर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। काफी जगहों पर जगह जगह आग दहक रही है। दमकल गर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं कीव को लेकर तेजी से रूसी सेना आगे की ओर बढ़ती हुई, लेकिन सिर्फ दो शहर ऐसे हैं, दो शहर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है रशिया की ओर से। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें हर गुजरते वक्त के साथ रूसी हमलों से थर्रा यूक्रेन को थोड़ी राहत मिली है। दो शहरों को लेकर जो बड़ा ऐलान किया गया है यहां पर रूस की ओर से, नागरिकों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए ये युद्ध विराम किया गया है। आपको मैप के जरिए हम दिखाएंगे भी कि वो दो शहर कौन से हैं जहां पर बड़ी तादाद में आम नागरिक फंसे हुए हैं। लेकिन वही देखिए अलग अलग हिस्सों में रूसी सेना वापस जाओ के नारे भी यहां पर लग रहे हैं। लुहांस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेनी नागरिक बाहर हैं और उनकी ओर से रूसी सेना वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन आपको बताते चले ऐसा हिस्सा जहां पर एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो रूसी भाषा बोलती है, उनकी संस्कृति, उनके त्योहार सब कुछ आपस में काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इस वजह से रूस के लिए भी आगे आने वाला वक्त चुनौतियों भरा है, क्योंकि एक बड़ी आबादी उसका विरोध करती हुई तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को घुटनों के बल ला देने के लिए लगातार कोशिशों में रूस इस वक्त। और ये देखिए मैप, इस मैप के जरिए समझे इन शहरों में, ये दो शहर आपको दिखा रहे हैं, इन दो शहरों में यूक्रेन के इन दो बड़े शहरों में रूस की ओर से सीज फायर का ऐलान किया गया है। मारियोपोल जहां पर बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें लोगों को निकालने के लिए, हालांकि बिल्कुल ये बॉर्डर एरिया आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, इन दो शहरों से लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, वोल्नोवाखा और मारियोपोल। अब क्या यहां से जल्द बड़ी तादाद में लोगों को निकाल लिया जाएगा? लेकिन यहां पर अगर लोगों को निकाल भी लिया गया तो यूक्रेन जहां पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, आपको बता दें बिल्कुल बीचों बीच वहां पर कीव है जो राजधानी है, जहां पर तीन तरफ से रूसी सेना तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई। कीव में क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खारकीव जहां पर तहस नहस सब कुछ कर दिया गया है, वहां पर क्या होगा? इसके अलावा कुछ और ऐसे हिस्से हैं जहां पर रूसी बमबारी लगातार जारी है, वहां को लेकर रूस कैसे आगे बढ़ेगा? बड़ी तादाद ऐसी भी है जो हमारे देश के भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिशें भी ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए और इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि अभी के हालात क्या बने हुए। इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी, मेजर जनरल रिटायर्ड विश्वंभर दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल दयाल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तस्वीरों पर, और साथ ही जिस मैप का आप जिक्र कर रहे थे वो मैप भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। देखिए अब ये बॉर्डर एरिया है और ये साउथ में है, बिल्कुल साउथ, और साउथ ईस्ट में अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जो हमारे छात्र या जो हमारे नागरिक खारकीव और सूमी की बात कर रहे थे उनके लिए ये एरिया बिल्कुल नहीं ठीक है। ये एरिया जो मारियोपोल में और जो डोनेट्स का एरिया जो ऑलरेडी रशिया के कब्जे में था, रशियन फोर्सेस और आगे बढ़ गई हैं, वोल्वोक इसका मतलब उनके बिल्कुल कब्जे में है, और सी ऑफ अजोव जो है वो यहाँ के जरिए मेरे ख्याल में जो रस्तों ने दोनों जो एक और शहर है रशिया का, उस तरफ जो भी नागरिक आएंगे शायद वो सी के जरिए वहां लाके और उनको शायद फिर आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल रूस से सटा हुआ इलाका है, सीधे सटा हुआ इलाका है, जो बिल्कुल साउथ का इलाका है, साउथ का इलाका है। वहां पर अगर सीज फायर आपने किया भी तो बाकी जो बीच में लोग जो फंसे हुए हैं वो कैसे बाहर आएंगे? आपने तो बिल्कुल सटे हुए उस इलाके में जो पहले से ही आपके प्रभाव में है। चित्रा, मेरा इस पर टेक यही है कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल बॉर्डरिंग है विद रशिया, तो ये सारा बेनिफिट मेरे ख्याल और इस इलाके में जितने भी हैं वो प्रो रशियन और रशियन स्पीकिंग सिविलियन रहते हैं, तो शायद ये उनके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। और इससे साफ जाहिर है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट अभी भी वहां चल रहा है, नहीं तो इतने दिन की लड़ाई के बाद मारियोपोल को अभी तक कैप्चर हो जाना चाहिए था। तो इसका नतीजा यही है कि ये इन सिविलियंस के लिए है जो प्रो रशियन है। पर हमारा अभी वो होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को और भारत को प्रेशर बनाना चाहिए कि खारकीव और सुमी में हमको ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स तो वहां फंसे हैं और वहां से बॉर्डर मुश्किल से 50 किलोमीटर है खारकीव से रूसी बॉर्डर। सुमी और खारकीव वाले एरिया में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। देखिए एक और भी तस्वीर है, इसका मतलब खारकीव हो सकता है रशिया के कंट्रोल में हो, नॉर्थ का इलाका वैसे ही कंट्रोल में है, तो वहां से कोई ना कोई स्टूडेंट्स का निकालने का या बाकी उनको निकालने का और तरीका होगा।
ये जो साउथ में है मारियापोल में भी और इस इलाके में काफी इंटरनेशनल पॉपुलेशन है, सिर्फ रूसी नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, और भी देशों के मुल्कों के लोग होंगे जिनको यहाँ से सी ऑफ अजोव के जरिए या लैंड रूट के जरिए साउथ के शहरों में। मैं आपसे रूस की स्ट्रेटेजी समझना चाहती हूँ। देखिए, हाँ। जो मेन एरिया है जहां पर आपने सबसे ज्यादा बमबारी करके तबाह कर दिया है वो खारकीव और दूसरे तमाम एरियाज हैं, वहां पर सीज फायर नहीं करके, क्योंकि वहां पर बड़ी आबादी में लोग फंसे हुए हैं, बिल्कुल बीच का जो एरिया है ऊपर की तरफ, लेकिन आपने बॉर्डर एरिया में सीज फायर, ये जो स्ट्रेटेजी है रूस की, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ जनरल दयाल। देखिए, जो इसका मतलब स्पष्ट बात है कि खारकीव में अभी भी रशिया जो वहां के जो इंटरनल मिलिशिया जो यूक्रेनियन प्रो यूक्रेनियन जो फोर्सेज है वो कहीं ना कहीं हाइड्स में है और वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है ना, ये जो पॉपुलेशन को आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। तो वो खारकीव में किसी किस्म का सीज फायर नहीं चाहता होगा, यूक्रेन भी नहीं चाहता होगा।